आचार्य आशा त्यागी 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये वलयाकार कंकणाकृति का सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस दिन 6 ग्रह वक्री होंगे, गुरु शनि शुक्र बुध राहु और केतु। इस दिन आकाश में अद्भुत दृश्य होगा, दिन में तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए, ऐसा लगेगा जैसे कि रात हो गई हो। इस तरह का ग्रहण 25 साल पहले लगा था, जो अक्टूबर 1995, उस दिन में ही अंधेरा हो गया था। सूर्य ग्रहण का सूतक जो है वो 12 घंटे पहले लग जाएगा, ये 20 जून की रात 9:52 से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ सब वर्जित होंगे। यह ग्रहण मेष सिंह कन्या मकर मीन राशि वालों के लिए मंगलकारी और शुभ फलदायी होगा। 12 राशियों का इस तरह से प्रभाव रहेगा कि मेष राशि के लोगों को इस ग्रहण से लाभ होगा, इस राशि वाले धन पद सम्मान की प्राप्ति करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये अधिक प्रभावकारी होगा, इस राशि वालों के लिए आर्थिक और नौकरी के क्षेत्र में परेशानी पैदा होंगी। मिथुन राशि वाले जो कि ग्रहण इसी राशि में पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मिथुन राशि के लोगों को दुर्घटना वाद विवाद जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है, उन्हें बचाव करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए जमीन जायदाद और वाहन से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, इस राशि वालों के लिए पैसे के मामले में मजबूती आएगी, जीवन साथी का सुख मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह लाभदायक साबित होने वाला है, इस राशि के लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए सलाह है कि किसी वाद विवाद में ना पड़ें और खुद को शांत रखें। वृश्चिक राशि वाले जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें, क्योंकि इस राशि के लोगों को चिंता में पड़ने की संभावना बनी हुई है। धनु राशि के लोगों को यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी का ख्याल रखते हुए कोई फैसला लें, वरना कलह के आसार बने हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण कुल मिलाकर शुभ और फलदायी रहने वाला है। कुंभ राशि के लोगों के लिए मानसिक परेशानी खड़ी हो सकती है, तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण परेशान करने वाला है, इस दौरान इस राशि वालों के लिए खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा। अब जैसा कि सभी कोरोना को लेकर परेशान हैं, कोरोना जिस समय स्टार्ट हुआ या उसका प्रारंभ काल जो हुआ वो 26 दिसंबर को हुआ, 26 दिसंबर 2019 से भी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हुआ और ग्रहों के बीच ऊर्जा के बदलाव से इस कोरोना ने विकराल रूप धारण करा। जो हम ज्योतिषीय और ज्योग्राफी के आधार से देखते हैं, अब 21 जून 2020 को ऊर्जा की किरणें फिर से प्रस्फुटित होंगी और इसका अंत करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। हालांकि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से सूर्य कर्क राशि में शनि पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे सूर्य कर्क राशि में आने के बाद, तो इसके लिए या तो वैक्सीन मिलेगी या इसका प्रभाव खत्म होगा, बीमारी का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी के आधार से देखते हैं तो 2020 सेहत के लिए आमदनी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये राहु का अंक बनता है और 4 अंक राहु का होता है, तो हमें जीना तो कोरोना के साथ ही पड़ेगा 2020 के अंत तक। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हम कह सकते हैं अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कि कर्क राशि में जिस समय सूर्य प्रवेश करेंगे और वो मकर राशि पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो इसका प्रभाव हमारे भारत के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि हमारे जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है। एक थोड़ा सा, क्योंकि शनि जब भी मकर रेखा या कर्क रेखा से गुजरते हैं तो भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हर तरह से सीमाओं पे भी विवाद है हमारे साथ और भूकंप वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 30 जून से धनु में गुरु जीवन का कारक है और वो फिर से वक्री होने जा रहे हैं, तो 30 जून के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना का प्रकोप कम होगा। इसी के साथ आप सबको हार्दिक शुभकामना भरा नमस्कार।